गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा मॉलिक्यूलर मास निकालना, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमको एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। एटॉमिक मास आपको लर्न करना पड़ेगा 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का, उसके बाद में फिर 10 एलिमेंट के एटॉमिक मास और बता देंगे, तो करीब 30 तक एलिमेंट का एटॉमिक मास याद हो जाएगा, तो 12 तक आपको फिर आराम हो जाएगा। तो आपको ये एलिमेंट के एटॉमिक मास निकालने पड़ेंगे। अब हम आपको कुछ और जो कंपाउंड हैं डिफरेंट, उनके भी आपको मोलर मास मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। देखिए डॉट लगा है, डॉट। कई बार बच्चे इसको कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉट का मतलब मैथमेटिक्स में इनटू होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे इनटू कर देते हैं, इससे गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास आप देख, यानी कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास है 32, प्लस ऑक्सीजन का है 16 × 4। तो यहाँ डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो यानी 1 का 2 और 4 का 16। इस तरीके से हमने निकाल दिया H का एटॉमिक मास 1, 2 एटम है, सिर्फ 2 कर दिया, 4 का 16 होता है। ये हो जाएगा आपका 40 + 32 + 64 + 2 आउट ऑफ ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, 2 + 2 + 16 यानी 18 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 + 32 + 64 + 36। इन सबको ऐड करेंगे 6 × 4 = 10 × 12 कैरी ओवर 1 × 4 = 6 × 10 = 13 × 13 = 17 यानी 172 यू इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट। इस कंपाउंड का जो नाम होता है जिप्सम, इस कंपाउंड को जिप्सम के नाम से जानते हैं। जिप्सम क्लास 10th में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जिप्सम नाम का कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से डॉट एच टू वाले क्वेश्चन इस तरह से करते हैं। ऐसा ही और क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास जिसमें एच टू लगा हो, जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम बासिंग सोडा कहते हैं, ये कैसे हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक मास है 23 × 2, कार्बन का होता है 12, एक एटम है इसलिए 1, ऑक्सीजन के 6 3 एटम हैं तो 16 × 3 प्लस डॉट एस मतलब प्लस 10 आउट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है तो 1 × 2 + 16 ये कर। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 48 और इधर हो जाएगा आपका 10 आउट ऑफ ब्रैकेट 16 × 18। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमारा सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 46 + 12 + 48 + 18 × 10 यानी 180। अब इसको ऐड कर लेना है तो 8 × 10 = 16 कैरी ओवर 1 9 9 = 13 13 × 1 = 14 14 × 4 = 18 कैरी ओवर 1 1 × 2 = 86 यू इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी को बच्चों वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मूला आप कर लिए। इस तरीके से डॉट एच टू वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और डॉट एच टू वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक फार्मूला है CaSO4.H2O, तो ये भी है, इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल बिल्डिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है वाइट वॉश के समय। तो कैल्शियम का मास है बच्चों 40, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16 × 4 एटम है, प्लस हाफ और यहाँ पर 1, 2 और + 4 = 16। ये पूरा जब सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 40
प्लस 32 प्लस 64 प्लस हाफ और ये हो जाएगा 18 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे को 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 9। अब ये सब ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 9 4 13 13 2 15 15 5 कैरी ओवर 1 7 3 10 और 4 14 145। इस तरीके से आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं उसका मोलिकुलर मास निकला 142। तो आप ध्यान रखना है डॉट का मतलब क्या रहता है। इस तरीके से डॉट वाला कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम डॉट वाले कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं करने के लिए। जैसे आपका है कंपाउंड FeSO4.7H2O CuSO4.5H2O ये। इसके बाद K2SO4 L2SO4 का होल साइज .34H2O और FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O ये आपको पता है। इनके हमको मोलिकुलर मास निकालने ये आपका HW है मोलिकुलर मास इनके निकालने हैं सभी के। यहाँ पर कॉपर का एटॉमिक मास है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो है वो है आपका 63.5। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 और ये आप ध्यान रखना है। उसके बाद में एटॉमिक मास ऑफ आयरन तो इस तरीके से आप ये बाकी के आपको मालूम है जो ना मालूम हो उसको पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका होमवर्क है। मोलिकुलर मास के बाद बच्चों अब हम निकालना सीखेंगे कैसे हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन गिवन कंपाउंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या तरीका है। तो इसके लिए बच्चों आपको दो फार्मूले पता होना चाहिए। पहले हम डिस्कस किए हैं फार्मूला नंबर 1 एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला है पी माने प्रोटॉन पी माने इलेक्ट्रॉन ठीक है। दूसरा फार्मूला है मास नंबर बराबर बराबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर रखेंगे पी का मतलब है प्रोटॉन पी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन और एन स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन ये हमको पता है ठीक है। तो ये दो फार्मूले आपको याद रहेंगे। कोई भी एलिमेंट जब लिखा रहेगा उस एलिमेंट का ये सिंबल रहेगा जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर ऊपर वाले को बोलते हैं मास नंबर। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 तो इसका मतलब कैल्शियम के 8 एटम के पास 20 प्रोटॉन हैं तो यानी इसके पास 20 प्रोटॉन एंड प्रोटॉन हो गए 20 और इलेक्ट्रॉन भी हो गए 20 क्लियर। तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 है
उसके बाद इसका मास नंबर कितना 14, तो मास नंबर की जगह रखेंगे 14 बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मोशन, प्रोटॉन कितने 20, तो सॉल्व करेंगे तो न्यूट्रॉन भी चांस की बात है 20 आ जाएगा। तो कैल्शियम के एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा जल्दी नहीं होता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन बराबर हो भी सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन सीखना है, ये दो फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अब हम इसी पे आगे बात करेंगे, जैसे हमसे कहा जाए कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन पोटेशियम एटम, पोटेशियम एटम जो पोटेशियम एटम है, पोटेशियम एटम का हमको प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, जो नीचे वाला रहता है तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऊपर वो लिखा रहता है इसको बोलते हैं बच्चों मास नंबर। तो हमको फॉर्मूला नंबर वन पता है, जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतने ही प्रोटॉन रहते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एटॉमिक नंबर 19 है तो प्रोटॉन कितने हो गए 19 और इलेक्ट्रॉन भी हो गए 19। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। अब मास नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे, मास नंबर बराबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना है 39, प्रोटॉन की वैल्यू दी है 19, तो न्यूट्रॉन हमको निकल के आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन बराबर निकला है 20, यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन निकला है 20। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीख जाएंगे। देखिए बच्चों एक बार फिर से देख सकते हैं हम लोग कैसे कैसे हमने दो फॉर्मूल लगाए हैं, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तीनों बातें आपस में बराबर होती हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। और दूसरा फार्मूला लगाया हमने मास नंबर बराबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पहले फार्मूले से हमने प्रोटॉन निकाल चुके हैं, मास नंबर आपको दिया है, द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा अगला एलिमेंट है फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम, इन सोडियम एटम, सोडियम एटम का निकालना, सोडियम एटम का ये गिवन है 23, ये मतलब अब ये दिया हुआ सिंबल सोडियम का सिंबल होता है ना, उसके बाद प्रोटॉन रहते हैं कितने इसके पास जितना एटॉमिक नंबर रहता है, एटॉमिक नंबर इसका दिया है 11, इसका मतलब प्रोटॉन भी हो जाएंगे 11 और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 11, ये फार्मूला नंबर वन से। तो बच्चों दूसरा फार्मूला है मास नंबर बराबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर 23 दिया है क्वेश्चन में, प्रोटॉन निकाल चुके हैं हम लोग फर्स्ट वाले फार्मूले से, तो न्यूट्रॉन निकल करके आ जाएगा 12, हमने प्रोटॉन भी निकाल लिए, ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, न्यूट्रॉन भी, तो तीनों चीज़ें हमको पता चल गई। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप यही बात ध्यान रखें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सबको रिपीट करना बेवकूफ़ी है, बस खाली दो चार क्वेश्चन हमने बता दिए तो आप समझ जाएंगे, तो छोटी सी बात है कि किस तरह से हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। अब हम किसी मॉलिक्यूल में तो हम और आगे कदम बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल में कैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन करते हैं, जैसे फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। अभी तक हम एटम के बारे में निकाल रहे थे प्रोटॉन, अब हम मॉलिक्यूल के बारे में निकाल लेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर वाटर का फार्मूला है ये बच्चों H2O, ये भैया वाटर, ठीक है। तो वाटर में हमको प्रोटॉन निकालने हैं,
तो प्रोटॉन निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर किससे मिल के बना है ये देखेंगे। देखा है हम लोग वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना, ऐसे अलग अलग कर लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। क्योंकि हमको निकालना है खाली प्रोटॉन, तो प्रोटॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही प्रोटॉन निकलते हैं। जितना एटॉमिक नंबर रहता है बच्चों, उतने ही हमेशा प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह हमको प्रोटॉन निकालना है, इसका मतलब है हाइड्रोजन के जो एटम है उसके एक एटम के पास एक प्रोटॉन है। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 है, इसे एक एटम में एक प्रोटॉन, तो 2 एटम में 2 से मल्टीप्लाई करें। ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है बच्चों, जितना उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना 8 लिख दिया हमने। अब एक एटम के पास एक है, और वाटर में ऑक्सीजन का एटम भी एक ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ये निकल आएगा 2 बन जाए 2, 8 बन जाए 8, यानी 10 प्रोटॉन। तो 10 प्रोटॉन वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है। तो इस तरीके से हम किसी एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना सीख सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल आए 10, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये भी 10। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 5 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 चीज़ से मिलकर बनी है, सबसे पहले हमने लिख लिया कार्बन और ऑक्सीजन, फिर हम इन दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख लें। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल में कितने हैं कैसे निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इतने ही प्रोटॉन होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में चूंकि एक ही कार्बन है, इसलिए कार्बन का एक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8, उसका एटॉमिक नंबर 8 है 8। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, इसलिए एक एटम के पास 8 प्रोटॉन, तो 2 एटम के पास इसके डबल हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 बन जाए 6, 8 2 जाए 16, 16 और 6 हो जाएगा आपका 22 प्रोटॉन, यानी एक मॉलिक्यूल में 22 प्रोटॉन हैं। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 5 मॉलिक्यूल। तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो एक मॉलिक्यूल में कितने 22 प्रोटॉन हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 110 प्रोटॉन, यानी 5 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में 110 प्रोटॉन होंगे। तो ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है किस तरीके से हम प्रोटॉन निकाल रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर। करें अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपके इलेक्ट्रॉन पूछते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन निकाले चाहे इलेक्ट्रॉन निकाले दोनों की वैल्यू सेम आएगी। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है बच्चों C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला। तो ग्लूकोज का फार्मूला है 10 मॉलिक्यूल में निकालना है। पहले हम क्या निकालेंगे, 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले लिखेंगे
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज तीन एटम से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इन तीनों का ही हम एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एच का है 1, ओ का है 8। अब हम क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब एक कार्बन एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ 6। हमारे मॉलिक्यूल में कुल कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, 6 × 6 प्लस। हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक एटम है। यहाँ पर एटम कितने, 12, 12 एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 8, एक एटम में एटम है हमारे पास 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, 12 बन जाए 12, 8 6 जा 48। सबको सॉल्व करेंगे, 48 और 12 कितना हो गया 60, ये हो गया बच्चों 96। 96 इलेक्ट्रॉन है कितने में, एक मॉलिक्यूल। हमने क्वेश्चन में क्या बोला, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 लिया जाएगा तो 96 × 10 ये बराबर हो जाएगा 960 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से बच्चों हम इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हम प्रोटॉन का कैलकुलेशन कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद बच्चों अब हम कैलकुलेशन करेंगे न्यूट्रॉन का। फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन फोर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस है उसके फोर मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो पहले क्या करें, हम एक मॉलिक्यूल के न्यूट्रॉन निकालें। पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना। हमको आपकी न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा, मास नंबर लिखना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर बन गया मास के ऊपर। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए दिस माइनस दिस, इसमें से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर जो है उसको माइनस करना पड़ेगा, तब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा। तो 14 − 7 या 7। अब यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो 1 प्लस 1 − 1 = 0, कितने एटम है 3, तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 7 + 0 यानी आंसर आ जाएगा 7। 7 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में। तो हमने कितने मॉलिक्यूल पूछा, 4 मॉलिक्यूल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बराबर 7 × 4 यानी 28। आंसर आ जाएगा बच्चों 28
न्यूट्रॉन निकला है, 7 मॉलिक्यूल में 28 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रॉन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन। और एक बड़ा क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 25 मॉलिक्यूल यूरिया कंपाउंड है, इसका फार्मूला है NH2CO2। ये यूरिया है, हमको एक मॉलिक्यूल पहले निकालने हैं न्यूट्रॉन, फिर जितना आंसर आएगा उसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही काम करने जा रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया NH2CO2। तो सबसे पहले यूरिया किससे मिलके बना है, नाइट्रोजन से मिलके बना है, हाइड्रोजन से मिलके बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन। यानी चार एलिमेंट ही हैं यूरिया में, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इन सभी का एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, H का 1, कार्बन का 6 और 12, इसका 8 और 16। न्यूट्रॉन निकालने के लिए दिस माइनस दिस, तो नाइट्रोजन के पास न्यूट्रॉन निकलेंगे 7। अब पूरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कितने एटम है, एक ये एटम है, एक एटम, दो एटम है टोटल, तो इंटू 2 प्लस। हाइड्रोजन के बारे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे 0, 1 माइनस 1 0, कुल हाइड्रोजन एटम कितने, 2, ये 2, ये 4, 4 से मल्टीप्लाई प्लस। अब आ जाएंगे बच्चों कार्बन, कार्बन के पास कार्बन कितने हैं, एक एटम के पास 12 माइनस 6 यानी 6, कितने एटम है यूरिया में कार्बन के, केवल 1 एटम है। प्लस ऑक्सीजन के पास आ जाए 16 माइनस 8, 8 और एटम भी इसका है 1, ये सारे एटम का कैलकुलेशन हो चुका है। 7 टू जा 14, 0 इंटू 4 0, 6 बन जा 6, 8 बन जा 8, तो हो जाएगा 8, 6, 14, 14, 14, 28, यानी 28 भी बताया एक मॉलिक्यूल। अब उनको पूछा है 25 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, कौन सा बताएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 25 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 25 से, तो 25 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 20 कैरी, 25 2 50 50 20 70, ये आपका 700 न्यूट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 25 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, यानी यूरिया के 25 मॉलिक्यूल में 700 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन हमने आपको करना सिखाया, अब इस पर हम कुछ सवाल देते हैं आपको करने के लिए, ये आप होमवर्क में करके दिखाएंगे। ये आपका होमवर्क है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 200 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फास्फेट दूसरा क्वेश्चन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन
50 मॉलिक्यूल ऑफ सुगर C12H22O2 सुगर निकालना है। तीसरा पार्ट है फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इन टू मॉलिक्यूल ऑफ वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O ये निकालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 15 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइव फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 2000 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसको आप करके आपको दिखाएंगे कि इसका कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है। हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया है, किस तरीके से होगा कि जितना एटॉमिक नंबर है, इसलिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको ठीक से याद नहीं है तो फिर आपका सवाल गड़बड़ा जाएगा। इसलिए एटॉमिक नंबर मास नंबर कम से कम 20 एलिमेंट तक हर बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने हैं तो पहले क्या करेंगे, जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतने ही प्रोटॉन रहते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, ऐसा करके हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से जब ये क्वेश्चन करेंगे तो और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन हमको पता चलेगा। अब बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, ठीक बच्चों। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है मोल कॉन्सेप्ट का। तो अभी शुरुआत है क्लास में, आपके बहुत थोड़ी सी दिया रहेगा, लेकिन जैसे जब 11 क्लास में पहुँचेंगे तो पहला चैप्टर ही आपका मोल कॉन्सेप्ट से इस्तेमाल होगा। तो जिन बच्चों को 9th में नहीं समझ में आया होता है उनको फिर 11th में दिक्कत नहीं होती, इसलिए अगर आपने 9th में ये बातें समझ ली हैं तो 11th की बात आपको आसान से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए बच्चों एक नया हमारा कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट। मोल का मतलब क्या होता है, तो जो मोल कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, तो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोल होता क्या है। तो बच्चों मोल का लैटिन में जो लैटिन है, लैटिन में जो मीनिंग होता है मोल का, उसको बोलते हैं हम लोग हीट और पाई। इसका मतलब होता है कलेक्शन, मतलब ये मोल कलेक्शन है। इसका कलेक्शन है बहुत सारे एटम का या मॉलिक्यूल का या फिर आयन का। तो इस तरीके से जो एक मोल जो है एक नंबर है, एक मोल बराबर 6.022 × 10³। ये एक मोल इतना रहता है। अगर हम कहें एक मोल एटम तो इतने ही एटम होंगे,
एक मोल, एक मोल जो नंबर है तो इस नंबर के बराबर है, इस नंबर के बराबर है। अगर हम कहें एक मोल मॉलिक्यूल तो वो भी इसी नंबर के बराबर है। तो मोल का मतलब है कितना, मॉलिक्यूल आ जाएगा। अगर हम कहें वन मोल आयन तो इसका मतलब 6.02 × 10³ आयन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कहें वन मोल मैंगो कितने ही मैंगो हो जाएंगे, हम कहें वन मोल बनाना कितने ही बनाना हो जाएंगे, हम कहें वन मोल पेंसिल कितने पेंसिल हो जाएंगे, हम कहेंगे वन मोल रुपीज कितने रुपीज हो जाएंगे। मतलब ये एक मोल एक नंबर है और वो क्या बताता है, कितने नंबर, कितने नंबर 6.02 × 10³ जो नंबर होते हैं वही उसी को हम लोग एक मोल के नाम से जानते हैं। तो जो एक मोल है वो आपका किसी नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर के जान सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर जो है एवोगैड्रो नंबर इसको कहते हैं हम लोग एन और नीचे कैपिटल के एन ए, तो जो एन ए है यही आपका ये नंबर है 6.02 × 10³। ये एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। इसको एन ए से कैपिटल एन और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। इटली के साइंटिस्ट थे एमिलियो एवोगैड्रो, उन्हीं ने इस नंबर के बारे में बताया, इसको हम एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। एवोगैड्रो नंबर जो है 6.02 × 10³ के बराबर होता है, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अगर हम कहें वन मोल रुपीज तो इतने ही रुपीज हो जाएंगे, अगर हम कहें वन मोल पेंसिल तो इतने ही पेंसिल हो जाएंगे, अगर हम कहें वन मोल एटम तो इतने एटम हो जाएंगे, हम कहें वन मोल मॉलिक्यूल तो इतने ही मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इन मोल में इतना चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहें वन डजन एक दर्जन, तो दर्जन शब्द बताता है कि 12, अब वो कुछ भी हो सकता है। एक दर्जन मैंगो कहा जाएगा तो 12 मैंगो हो जाएंगे, एक दर्जन बनाना कहा जाएगा तो 12 बनाना हो जाएंगे, ठीक है ना। वन डजन पेंसिल तो 12 पेंसिल हो जाएंगे, वन डजन पेन तो 12 फुट आपका पेन हो जाएंगे, वन डजन चेयर तो 12 कुर्सी हो जाएगी। ऐसे ही मोल भी है, तो मोल जैसे डजन बताता है 12, ऐसे ही मोल बताता है ये नंबर 6.02 × 10³। ये काफ़ी बड़ा नंबर है और यही नंबर जो है इस नंबर की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड में एटम मॉलिक्यूल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। हमने आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखाया, अब हम आपको और मोल की हेल्प से मोल का भी उसमें यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। कोई भी चीज़ संसार की कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको हम एटम कहते हैं। वो चाहे चीज़ जितनी बड़ी हो वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। किसी बड़ी चीज़ को अगर हम तोड़ें तो टूट जाएगी, और तोड़ें तो और छोटी होती जाएगी, हम तब तक तोड़ते रहें जब तक कि टूटना बंद ना हो जाए। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है बच्चों, उसी को हम एटम कहेंगे। तो कोई भी चीज़ चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। तो जब ये एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है तो आखिर उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी कितने एटम हैं उसके अंदर, कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर हैं, ये बात हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी बात को कैलकुलेट करने के लिए ये नंबर मोल का इस्तेमाल होता है। जैसे हम आपसे ये कहें, हमने आपको दो चौक के पीस दे दिए और हमने आपसे पूछा आप बताओ इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, तो वैसे तो ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होते हैं, वो हमको दिखते भी नहीं हैं। तो जब दिखते नहीं हैं तो उनका कैलकुलेशन फिर कैसे कर पाते हैं, तो उनका कैलकुलेशन करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है मोल, और हम आसानी के साथ मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं बिना उसको माइक्रोस्कोप से देखे हुए, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट, और इसका पूरी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ये चैप्टर का इस्तेमाल और दूसरे चैप्टरों में भी होता रहेगा। तो इस तरह से मोल का मतलब ये है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। कोई चीज है उसके एक मोल का मास उतना ही होता है जितना उस चीज का एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल के लिए
वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो इसका जो मास कितना होगा, मास ऑफ वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है का मास है तो वही है जो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का होता है 12, 16 × 2, ये हो जाएगा आपका 44, और वो भी ग्राम में होगा, ये ध्यान रखिए, यू में नहीं होगा, ग्राम में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी मास को हम लोग कहते हैं मोलर मास। तो ध्यान सुनने वाली बात है, एक होता है मॉलिक्यूलर मास और एक होता है मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, और मोलर का मतलब है एक मोल मॉलिक्यूल का मास। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल का मास वही होगा जितना उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग, मास ऑफ वन मोल ऑफ अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस का कितना रहता है 14, नाइट्रोजन का 1 × 3, ये हो जाएगा 17, इसको ग्राम में लिख देंगे तो 17 ग्राम जो मास हो, कितने का मास है, वन मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, एक मोल अमोनिया मॉलिक्यूल का, और एक मोल में कितने अमोनिया मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, यानी कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का मास कितना है, 17 ग्राम। इतने मॉलिक्यूल जो हैं उनका मास कितना होगा, 17 ग्राम होगा। तो जब इतने मॉलिक्यूल का मास 17 ग्राम है तो एक मॉलिक्यूल का मास भी हम निकाल सकते हैं, और जब एक मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं तो फिर अगर हमसे पूछा जाए पांच मॉलिक्यूल का कितना मास होगा, तो पहले एक का निकाल के उसमें पाँच मल्टीप्लाई कर देंगे। कहा जाए 20 मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो पहले एक मॉलिक्यूल का मास निकाला यहाँ से, फिर जितना आएगा उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम कितने भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं इस फार्मूले के हेल्प से। ठीक है, कोई भी गैस हो, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, उन चाहे वो कोई एटम हो, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, हमेशा 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल का मास हमेशा उसके मोलर मास के बराबर होता है, और अगर एटॉमिक मास है तो उसके एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है बच्चों, तो ये एक मोल जो है, मोल का मतलब है कलेक्शन, कितने मॉलिक्यूल कलेक्शन, 6.022 × 10³, इतने मॉलिक्यूल या इतने एटम या इतने आयन के जो कलेक्शन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल। तो मोल एक नंबर है जो ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में आपका 6.022 × 10³ चीज़ें हैं, वो चीज़ आपका, वो पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल आयन भी हो सकते हैं, या कोई और नंबर भी हो सकता है, यानी एक मोल में कितने नंबर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वन मोल इक्वल टू 6.022 × 10³। उसके बाद अगला कांसेप्ट है कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ये बच्चों क्या होता है, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम का मतलब है मीन्स वॉल्यूम ऑक्युपाइड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई वन मोल ऑफ गैस, गैस एक एसटीपी या एनटीपी। एसटीपी और एनटीपी बच्चों क्या होता है ये भी जान लें, एसटीपी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब है
नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी और एसटीपी दोनों सेम होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब है टेम्परेचर वहाँ पर जब एसटीपी कहा जाए तो टेम्परेचर हमेशा हमको कितना लेना है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही बातें हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं उसमें 273 जोड़ देते हैं। तो अगर टेम्परेचर इतना दिया हो तो उसको एसटीपी कहा जाता है और प्रेशर कितना रहता है बच्चों 1 एटमॉस्फियर या फिर 760 मिलीमीटर पूरी। तो इतना प्रेशर इतने टेम्परेचर को ही हम लोग एसटीपी या एनटीपी कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एसटीपी, तो अगर स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो है का मतलब है 1 मोल कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसी कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और ये बच्चों होता है हमेशा 22.4 लीटर फिक्स रहता है, यानी कोई भी गैस चाहे कोई भी गैस हो, चाहे अमोनिया गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, ओजोन गैस हो, ठीक है हीलियम गैस हो, कोई भी गैस है उसका 1 मोल हमेशा लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से गांठ बांध लेनी है कि किसी भी गैस है, गैस कोई भी हो, उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा एसटीपी या एनटीपी पर 22.4 लीटर बच्चों होता है। तो 22.4 लीटर मतलब ये वॉल्यूम आपको याद रखना है, किसका वॉल्यूम है, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो एनटीपी या एसटीपी पर होता है वो हमेशा फिक्स होता है 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम ये आपका मोल के बारे में कुछ बात जान गए। मोल क्या है बच्चों, फिर से एक बात समझ लेते हैं हम लोग। मोल का लैटिन का मतलब है कलेक्शन, यानी ये एटम या मॉलिक्यूल या आयन का कलेक्शन है, कितना होना चाहिए उसमें कलेक्शन 6.022 × 10³, यानी 1 मोल में इतने नंबर होते हैं 6.022 × 10³। इस नंबर को बच्चों बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, 6.022 × 10³। ये नंबर पावर 22 नहीं होना चाहिए, 24 नहीं, पावर बिल्कुल सही तरीके से रखना चाहिए 6.022 × 10³। 1 मोल में इतने नंबर होते हैं। अब इस मोल से हम क्या करेंगे, इस मोल की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड जो आपका गिविन कंपाउंड है उस गिविन कंपाउंड में हम कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको कहें कि 100 ग्राम हमने आपको शक्कर दे दी, शक्कर आपने देखी होगी, शक्कर घर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग चाय बनाने के काम में, तो शक्कर हमने दे दी आपको एक कटोरी में रख करके शक्कर दे दी 100 ग्राम, और हमने कहा कि भाई बताओ जरा इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, तो ये बहुत कठिन बात हो गई, लेकिन मोल की हेल्प से बहुत आसानी के साथ हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बच्चों हम इसी में और आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमको जो वजन दिया है उस वजन से हम कैसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कैसे नंबर ऑफ एटम या कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन या कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। हमको कुछ भी निकालना है तो पहले हम नंबर ऑफ मोल ही निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल सबसे पहले निकालने के बाद फिर और आगे बढ़ते जाएंगे और हम उसके फाइनल डिटेल्स में पहुँचते जाएंगे और उसके और छोटे पार्ट में अंदर घुसते जाएंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकलेंगे। नंबर ऑफ मोल निकल गए तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है फार्मूला, 1 मोल में 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल होते हैं। और मान लो हमारे पास 2 मोल आए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मोल आंसर आया तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं। फिर मॉलिक्यूल निकल आए, मॉलिक्यूल के बाद एटम निकल आ सकते हैं, एटम के बाद प्रोटॉन निकल आ सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ये हमने आपको कैलकुलेट करना अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन, कैसे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स।
हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिविंग मास, जो भी मास आपको दिया जाए और वो मास ग्राम में होना चाहिए, अपॉन मोलर मास। मोलर मास का मतलब यानी जो मॉलिकुलर मास ग्राम में होना चाहिए उसी को बोलते हैं मोलर मास, यानी ग्राम मॉलिकुलर मास। ठीक है, अपॉन या तो हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास, अगर ये ना लिखना चाहें तो ग्राम मॉलिकुलर मास भी लिख सकते हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन कहें फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला बच्चों है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन मास, गिवन मास कितना है 88 ग्राम, ग्राम में होना चाहिए और ग्राम में है, ग्राम में नहीं होता तो ग्राम में चेंज कर लेते, अपॉन मोलर मास। किसका मोलर मास? इसे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मोलिकुलर मास हमने आपको निकालना सिखाया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कार्बन का होता है 12 × 1, ऑक्सीजन का 16 × 2, साल करेंगे तो 12 + 32 यानी 44 आ जाएगा। इसकी जो यू होती है, लेकिन हमने क्या बोला ग्राम में होनी चाहिए, तो इसको ग्राम में लिख लेंगे यानी ग्राम मॉलिकुलर मास। तो 44 ग्राम ये क्या हो जाएगा, सॉरी 44 आ गया, 44 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 44 × 28 यानी 2 मोल निकल आया। इसका मतलब ये हुआ कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल निकला है 2। इस तरीके से हम किसी भी ग्राम में कितने मोल हैं ये निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2 इन 88 ग्राम ये कितना निकला 2, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल प्रेजेंट हुए बच्चों। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम इसी फार्मूले पर बेस्ड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 360 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला बच्चों है NH2CO2, दैट इज द फार्मूला ऑफ यूरिया। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिविंग मास अपॉन मोलर मास। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिविन मास, जो मास क्वेश्चन में दिया जाए तो वो भी ग्राम में होना चाहिए, ये बात पक्की है। नीचे ग्राम मॉलिकुलर मास या मोलर मास, तो मोलर मास कहेंगे तो ग्राम में ही होता है, ठीक है, तो ग्राम में निकलते हैं उसके लिए। और या ग्राम मॉलिकुलर मास का मतलब जो आपने मॉलिकुलर मास यू में निकाला है उसको यू ना लिख के ग्राम में लिख दें तो वो आपका मोलर मास कहलाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है भाई, तो गिविंग मास कितना है 360 ग्राम, ये नीचे क्या रखना पड़ेगा, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, तो या यूरिया का फार्मूला हमको पता ही है, दिया है क्वेश्चन में NH2CO2। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, कितने एटम है नाइट्रोजन के, 2 एटम है तो 14 × 2 कर लिया, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने एटम है 2, ये है 2, ये 4 एटम है, प्लस कार्बन एटॉमिक मास होता है 12 × 1 एटम है, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 1 होता है 1 एटम। तो ये निकला है बच्चों यूरिया का मोलिकुलर मास।
ठीक है, हमको निकालना मोलर मास तो ग्राम में रख देंगे इसको, ये हो जाएगा बच्चों 28, 4 बन जाए 4, 12 बन जाए 12, 16 बन जाए 16। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी वैल्यू आएगी। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 4, 32, 32 और 16, 32 और 16 हो जाएगा बच्चों 48 और 48 और 12 ये हो जाएगा बच्चों 60। तो 60 इसको हम ग्राम में रखते हैं, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पर हम 60 रखते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये जीरो, ये आपका आ गया बच्चों 6 मोल। इसका मतलब है 360 ग्राम यूरिया में 6 मोल प्रोजेक्ट हुए। इस तरीके से हम मोल का कैलकुलेशन कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक और, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.342 ग्राम ऑफ शुगर, शक्कर का फार्मूला होता है C12H22। ये बात शक्कर का फार्मूला है, इस तरीके से शुगर का हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिविन मास 0.342 है अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास हमको निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का होता है बच्चों 12, एटम भी उसके 12 हैं, एच का होता है 1, एटम 22 हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एटम 11। सॉल्व करेंगे 12 × 12 ये हो जाएगा 144, 20 बन जाए 22 बन जाए 22, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 66 बचा 6, 11 बन जाए 11 और 6 76 बच्चों आ गया। तो ये हमारा क्या निकला है मोलर मास, ठीक है ग्राम में होगा इसलिए। तो अब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 × 8 = 12 कैरी ओवर 1, 7 × 8 = 10 = 14 कैरी ओवर 1, तो 1, 1, 2 और 1, 3 = 342 और ग्राम में लिख देंगे ये हो जाएगा 3, ये भी ग्राम में था तो 342 ग्राम, इसलिए यूनिट सेम होनी चाहिए तभी ये कैसे होगा। अब यहाँ पर बच्चों 0.342 है और यहाँ पर 342 है, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, 2, 3 डेसिमल हैं तो हमने 3 जीरो बढ़ा दी नीचे। इसको सॉल्व करेंगे देखिए 342 तो नीचे आ जाएगा आपका 1000, यानी नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/1000। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.001, तो नंबर ऑफ मोल्स निकला 0.001। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिए नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का ये अच्छा तरीका है कि इसकी हेल्प से हम कोई भी नंबर ऑफ मोल्स आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए तो हम एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम आपको देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का बताएंगे। तो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में फ़र्क है, नंबर ऑफ मोल अलग चीज़ होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको निकालना है मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, कितने निकालना है 22 ग्राम में। अब 22 ग्राम में हमको निकालना है बच्चों तो सबसे पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने, गिविन मास कितना है 22, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, आप निकाल देख सकते हैं पिछली बार हमने निकाला सिखाया भी आपको। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मोल निकला है, नंबर ऑफ मोल कितना निकला है 1/2, या इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल, तो नंबर ऑफ मोल कितना निकला है
फिर हमको क्या पता है, एक मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, वन मोल में 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमको पता है कहाँ से। जब एक मोल में इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो हमारे पास कितने मोल आए, 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल इतने हैं, और एक मोल में हमको पता ही है तो इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 0.5, या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं 0.5 को, कैलकुलेशन आसान रहेगा इससे, 6.022 × 10³। ये क्या निकला है, मॉलिक्यूल निकला है। यहाँ पर क्या निकला था, ये मोल निकले हैं, मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से तो हमारा निकला है, इसको सॉल्व कर लेंगे 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3.011 × 10³ मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से निकल आया मॉलिक्यूल, वैसे निकलना कितना मुश्किल था, यानी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमको किसी जार में भर के दे दिया जाए, हम आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड किसी बंद बर्तन में दे दें और हम कहें बताओ कि इसमें कितने मोल होंगे, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का वजन निकल आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास, मास रखेंगे ऊपर, मोलर मास रखेंगे नीचे, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल निकल आएगा, और हमको पता है एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो 0.5 में कितने होंगे, तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से मॉलिक्यूल कितने निकले ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से बच्चों हम मॉलिक्यूल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में फिर हम आपको बताएंगे कैसे हम नंबर ऑफ एटम निकालते हैं, फिर कैसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसकी रूप से। ठीक है बच्चों, ओके।